पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का हड़ताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में कर्मचारियों ने बैठक और प्रदर्शन किया तथा सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद भी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर अड़े हैं और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसके तहत गुरुवार को दूसरे दिन कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीमा भारती और मंच के अध्यक्ष भक्तराज राम त्रिपाठी ने कहा, रीमा भारती महिला शाखा की अध्यक्ष पेंशन बहाली। आज हम सबका दूसरा दिन है, 6 से लेके 12 तारीख तक पुरानी पेंशन के लिए हम लोगों का अनिश्चितकाल धरना है। अगर हम लोग की मांग सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग अनिश्चितकाल करेंगे। तो दर दर हम लोगों का बुढ़ापा अगर भटकाना है तो वो पेंशन पुरानी पेंशन ना बहाल करे। अगर हम सबका बुढ़ापा उनको अच्छे से बितवाना है, देखना है, तो पुरानी पेंशन उनको बहाल करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और इसका परिणाम उन्हें देखने को मिलेगा। ये हम सब कर्मचारियों की चुनौती है। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम विराम दे रही हूँ और हमारा कर्मचारी कंधा से कंधा मिलाया हुआ है, किन्हीं बातों से किन्हीं धमकियों से डरने वाला नहीं है। उनको हमारा पेंशन रोकना है, वेतन रोकना है तो रोके रहे। हम अपने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 6 तारीख से 12 तारीख तक महाहड़ताल पर है। सरकार हमारे ऊपर एस्मा जरूर लगाई है, लेकिन ऐसे ऐसे एस्मा को लगभग 40 वर्षों के संगठनात्मक जिंदगी में बहुत देखा है। हमारी हड़ताल पूरी रूप से एकदम सफल है। निश्चित रूप से हम पुरानी पेंशन एकमात्र इस मांग को लेकर के सामने हैं, क्योंकि इस देश में ये नहीं चलने पाएगा कि आप पेंशन लोगे, 6 महीने भी निर्वाचित होके जाओगे, सन्यासियों को पेंशन बांटोगे, विभिन्न लोगों को पेंशन बांटोगे और हमारा 40 वर्षों तक नौकरी करने वाला, देश की सेवा करने वाला कर्मचारी अधिकारी शिक्षक पेंशन विहीन होगा, ये कतई हमारे संगठन को बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारी पुरानी पेंशन 12 तारीख तक बैठक करके मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन की होगी। आज की तारीख में हमने इनके परीक्षाओं का बहिष्कार कर रखा है। माध्यमिक शिक्षकों से भी निवेदन करता हूं, जो साथी हमारे साथ नहीं है आए और बहिष्कार करें, और हमारा ये हड़ताल अगर दबाने की कोशिश हुई तो हम सफाई और विद्युत को, आवश्यक सेवाओं को भी हड़ताल में झोंकेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।